लोरेम इप्सुम डोलोर सिटम ए दीर्घ भाषण तकनीक हकलाहट को प्रबंधित करने और धीरे धीरे इसे दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। यह तकनीक बोलने की गति को धीमा करके और भाषण प्रवाह को नियंत्रित करके सुचारू भाषण विकसित करने में मदद करती है। इसमें शब्दों के अक्षरों को धीरे धीरे खींचकर बोलने और एक शांत नियंत्रित तरीके से बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। धीमी और नियंत्रित श्वास। सबसे पहले अपनी नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। यह आपको आराम और नियंत्रण में रहने में मदद करता है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को शांत रखें। सौम्य शुरुआत, जेंटल ऑनसेट। जब आप एक वाक्य शुरू करें तो धीरे और आराम से शुरू करें। तेज या बलपूर्वक आवाज़ों से बचें। उदाहरण के लिए, यदि आप नमस्ते कह रहे हैं तो न ध्वनि को धीरे धीरे शुरू करें और बिना जल्दबाजी के मस्ते पर आगे बढ़ें। अक्षरों को खींचकर बोलना। जब आप बोलें तो प्रत्येक अक्षर को सामान्य से थोड़ा अधिक खींचें, जैसे नमस्ते की जगह नममस्ते कहें। ध्यान रखें कि आपका भाषण धीमा और निरंतर हो, बिना किसी अचानक रुकावट या झटके के। वाक्यों के बीच ठहराव। अपने वाक्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें। प्रत्येक वाक्यांश के बाद थोड़ा ठहराव लें और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करें। यह ठहराव हकलाहट या दोहराव से बचने में मदद करता है। आँखों का संपर्क बनाए रखें। बोलते समय श्रोता से हल्का आँखों का संपर्क बनाए रखें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बोलने के दौरान होने वाली घबराहट कम होगी। धीरे धीरे गति बढ़ाएं। समय के साथ जब आप ध्वनियों को खींचकर बोलने में सहज हो जाएं, तो अपनी बोलने की गति को धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका भाषण अब भी सुचारू हो। इस तकनीक को नियमित रूप से अभ्यास करें। धीरे धीरे बोलने से लेकर सामान्य गति तक पहुँचें। लाभ, प्रवाह में सुधार। ध्वनियों को खींचकर बोलने और सौम्य शुरुआत से मस्तिष्क को सुचारू भाषण की आदत पड़ती है। घबराहट में कमी। गहरी और धीमी श्वास के साथ नियंत्रित भाषण घबराहट और तनाव को कम करता है, जो हकलाहट के सामान्य कारण होते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आपका भाषण उतना ही सुचारू होगा, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक स्थितियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। संचार कौशल में सुधार। इस तकनीक के माध्यम से हकलाहट को दूर करना आपके संचार कौशल को सुधारता है, जिससे आप खुद को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। इस तकनीक को रोजमर्रा के अभ्यास में शामिल करने से भाषण प्रवाह और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।